इंदिरा गांधी। इंदिरा जी भारतवर्ष के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। वे एक महान पिता की महान पुत्री थी। वे बचपन में प्रियदर्शनी के नाम से जानी जाती थी। बाल्यावस्था से ही उच्च स्तर के राजनीतिक वातावरण का प्रभाव बहुत हद तक उनके जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी भारत देश की तृतीय प्रधानमंत्री बनी। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। उन्हें लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनके काल में कई अभूतपूर्व कार्य हुए, जिनमें से विधवा पेंशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान, पड़ोसी मुल्कों से युद्ध में विजय और रूस से मित्रतापूर्ण संबंध प्रमुख है। इंदिरा जी एक कुशल प्रधानमंत्री और राजनीतिज्ञ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश का निर्माण कर इंदिरा गांधी ने अपनी क्षमता एवं साहस का परिचय दिया। उनकी सूझबूझ, राजनीतिक समझ आज भी देश के नेताओं के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह प्रभाव छोड़ गई। बड़े ही दुख की बात है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी को उनके ही अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी।